जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश की क्लास पार्ट टू में, जिसमें हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। इस वीडियो में हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अपना मेडल। तो मेडल का मतलब एक मेडल का होता है यहाँ पे धातु के फ्रेंड्स, धातु। एंड आपका सेकेंड मेडल का होता है यहाँ पे MEDLE। इस मेडल का होता है आपका मेडल को भी गोल्ड मेडल हो गया आपका पुरस्कार यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मिडिल, ठीक है, इंटरफेयर, ठीक है, इनटेक एंड पॉज। तो आपको मीनिंग मैं बता देता हूँ। इसमें मिडिल का होता है यहाँ पे बीच में, ठीक है, किसी भी चीज़ का बीच। यहाँ पे इंटरफेयर मतलब बीच में टांग अड़ाना यहाँ पे, ठीक है। एंड आपका इनटेक मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, पानी हो गया, ज़्यादा मात्रा में लेना यानी कि टेक करना, ये हो गया आपका इनटेक, ठीक है साथियों। एंड आपका इम्पोज मतलब हो जाएगा आपका किसी चीज़ पर किसी चीज़ दबाव डालना वहाँ पे, ठीक है, इम्पोज। तो इसका आंसर हो जाएगा आप, राइट आंसर हो जाएगा आपका मिडिल, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरफेयर, बीच में टांग अड़ाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन हु, ठीक है, वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स, ठीक है। इसमें कहा गया है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही पैसे इंटरेस्ट पे देता हो यहाँ पे, ठीक है, पूरा इंटरेस्ट में यहाँ पे पैसा देता हो। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं हम, या ब्रोवर मतलब हो जब मीनिंग होता है यहाँ पे आपका पैसा लेने वाला यहाँ पे, ठीक है, ठीक है आपका। एंड डेस्ट्यूट मतलब होता है आपका पैसा नहीं देने वाला, ठीक है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं देता। अजर मतलब होता है आपका सही ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि आपको यहाँ पे ब्याज के पैसे देना, ब्याज में पैसे देना वहाँ पे, ठीक है। जैसे 10,000 में आपका बस 50% यहाँ पे ब्याज देना वहाँ पे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब होता है साथियों, तो इंस्टॉलमेंट मतलब यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं होता, ठीक है। और एक मीनिंग आपको ये भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे, लेंड्स मतलब होता है साथ में, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है लेंड्स, ठीक है, लेंड्स में आपका होता ये है तो उस चीज़ का मीनिंग होता है पैसे देने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट सी हो जाएगा अजरर, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये गौर करिएगा, यहाँ पे अ प्लेस वेयर आर केप्ट, ठीक है, अ प्लेस वेयर इट्स आर गिफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब बता देता हूँ, जहाँ पर सुअर को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी कि सुअरों का घर, ठीक है। सुअरों को कहाँ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, डेन, ठीक है, केनल, ओके, फेंस, ठीक। एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टाइल, ठीक है साथियों। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शंस की मीनिंग यहाँ पे। डेन मतलब होता है दोस्तों गुफा यहाँ पे, ठीक है। एंड आपके केनल मतलब होता है कुत्तों का रहने का स्थान। एंड फेंस मतलब होता है आपका जैसे चार दीवारी वाला, ठीक है। एंड आपका स्टाइल मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है, स्वरों का घर, यानी स्वर को जहाँ पे रखा जाता है उसको स्टाइल बोलते हैं। और सुअर के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं यहाँ पे दोस्तों। तो सुअर के बच्चों को यहाँ पे पिगलेट कहा जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, अगेन दैट रिजल्ट्स नेदर इन विक्टोरी नॉर इन डिफ्ट। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है साथियों यहाँ पे, ना तो कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है, इसको क्या कहते हैं हम शॉर्ट वर्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन इसको मैं बता देता हूँ, डॉन्ट, डॉन्ट, डेन, ठीक है, ड्रॉन एंड ड्रो।
ये अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ पे ड्रोन्ड मतलब आपका हो जाएगा साथियों, ड्रोन मतलब आपका हो जाएगा डरा हुआ, से कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है। एंड आपका डेड मतलब हो जाएगा गुफा, ठीक है, गुफा, जिसका मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था। एंड आपको ड्रोन हो जाएगा कोई भी व्यक्ति जैसे ईल होता है, ठीक है, ईल मतलब आपका समझ सकते हैं ई डबल आई डबल एल ड्रो, ये तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ड्रो ईल हो जाएगा यहाँ पे। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई हैबिचुअल ड्रंक्ड, ठीक है, आ हैबिचुअल ड्रंक्ड, ठीक, ऐसा पर्सन जो हमेशा ड्रंक में यहाँ पे रहता है, ठीक है दोस्तों, यानी हमेशा ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पिए हुए रहता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बता दे तो यहाँ पे टॉपर टॉपर टॉप एंड पीक, ठीक है, आपको एक शॉर्ट सा तरीका बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आइए जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक टॉपर, ठीक है दोस्तों, एक टॉपर जो यहाँ पे टॉपर नहीं होता, ठीक है, एक टॉपर जो टॉपर नहीं होता लेकिन वो टॉपर होता है, ठीक है, लेकिन वो टॉपर होता है, ठीक है, बात मेरे समझ में आ रही साथियों। एक टॉपर जो यहाँ पे एक टॉपर टॉपर नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक टॉपर जो है वो टॉपर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है साथियों। एक टॉपर टॉपर नहीं होता लेकिन वो एक टॉपर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ खाने और पीने की स्वाद लेता रहता है, ठीक है, खाना पीना स्वाद लेते रहते हैं हमेशा, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, एपिक, एपिक मतलब होता है महाकाव्य, जैसे महाभारत हो गया, ठीक है, केयर मतलब होता है ट्रीटमेंट करना, यहाँ पे केयर मतलब हो जाएगा आपका खाओ पियो और मौज करो, ठीक है दोस्तों, एपिसोड मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, ईपी केयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों आपके SSC CHSL इंग्लिश की क्लास, ठीक है फ्रेंड्स, आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे, तो आपको वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों तक यहाँ पे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।